उसने अपने पिता को अपने घर में छुपा के रखा हुआ था। अपने पुत्र को उदास तथा दुखी देखकर वृद्ध पिता ने पूछा, क्या हुआ पुत्र? उसने अपने बेटे को जब उदास देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ बेटा तुम्हें? आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। पुत्र ने राजा की शर्त के बारे में बताया और कहा, मैं सरोवर से घड़े को लाना चाहता हूँ पर तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तट पर खड़े होकर उसे देखने पर वह साफ दिखाई देता है परंतु तो सरोवर में छलांग लगाने पर वह गायब हो जाता। उसने कहा कि जब मैं किनारे पे खड़ा होता हूँ तो मुझे दिखता है, क्या घड़ा दिखता है, और जब मैं उसमें सरोवर में छलांग लगाता हूँ तो वह गायब हो जाता है। पिता ने कहा, क्या तुम चुपके से मुझे वह स्थान दिखा सकते हो? पुत्र पिता को रात के समय उस सरोवर के पास ले गया। वृद्ध ने ध्यान पूर्वक उस स्थान को देखा, किसको? सरोवर को। एक कंकड़ उठाया और जल में तैरते घड़े पर मारा परंतु उसने देखा कि उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है, घड़े पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है, सिर्फ पानी की कुछ लहरें तरंगी हुई और वो शांत हो गए। पानी में हजू लेकिन थोड़ी देर में पानी स्थिर हो गया और वह घड़ा फिर से दिखाई देने लगा। वृद्ध सतर्कता से आसपास के स्थान का निरीक्षण किया। उसने क्या किया, आसपास के स्थान को देखा। उसे सरोवर के पास एक विशाल घना पेड़ दिखाई दिया। क्या दिखा? एक विशाल घना पेड़ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा कि पेड़ की परछाई जहाँ पड़ रही है घड़ा भी उसके बीचों बीच दिखाई दे रहा था। पेड़ की टहनी तथा पत्तियाँ भी वहीं दिखाई दे रही थी। जहाँ पे पेड़ की परछाई थी वहीं पे घड़ा दिखाई दे रहा था और पेड़ की पत्ती और सब कुछ वहीं पर दिखाई दे रहा था। घड़े का सच उसे समझ में आ गया था। उस वृद्ध व्यक्ति को घड़े का सच समझ में आ गया था। वह अपने पुत्र के साथ वापस घर लौट आया। घर आकर उसने विस्तार से अपने पुत्र को सारी बात समझाई और घड़ा लाने के लिए प्रयास करने को कहा। युवक अपने वृद्ध पिता के कथन से आश्वस्त होकर सुबह राजमहल पहुंचा और राजा से कहा, मैं भी एक बार प्रयास करना चाहता हूँ। राजा पुनः उसे आगाह करते हुए कहा, तुम्हें याद है ना, यदि तुम इस कार्य को नहीं कर पाए तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, यानी कि तुम इसमें सफल नहीं हुए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। युवक ने मौन रहते हुए स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। कहते नहीं ऐसे करके है ना, तो वैसे ही स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। युवक के साथ राजा सरोवर पर पहुंचा। सरोवर में घड़ा अभी भी दिखाई दे रहा था। उसमें क्या था, अभी भी घड़ा दिख रहा था। कुछ ही समय में सारी प्रजा इकट्ठा हुई, यानी जितने लोगों ने सुना वो भी एकत्र हो गए। राजा के इशारे पर युवक आगे बढ़ा परंतु पानी में कूदने के स्थान पर वह पास स्थित पेड़ की ओर बढ़ गया। वो पानी में नहीं कूदा, वो क्या किया, वो पेड़ में गया, पेड़ पर चढ़ गया। सभी आश्चर्य से देखने लगे। वह तीव्रता से पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की पत्तियों को इधर उधर हटाने लगा। सब लोग सोचे कि ये सरोवर में कूदेगा परंतु वह क्या हुआ, पेड़ पर चढ़ गया। सीख ही उसे पेड़ की टहनियों के बीच एक घड़ा दिखाई दिया। उसे क्या हुआ, जब उसने पत्तियों को पेड़ के हटाया तो उसको एक घड़ा दिखाई दिया। उसे उतारकर वह राजा के पास ले आया। सभी ने देखा कि पानी से घड़े का आकार गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी परछाई जो थी वो पानी में पड़ रही थी। अच्छा, वो घड़ा हटा लिया गया तो परछाई भी दिखना बंद हो गई। युवक ने सभी को बताया, जल में दिखाई देने वाला घड़ा केवल इसे परछाई मात्र थी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने युवक से कहा, इसका उत्तर कोई अनुभवी व्यक्ति ही दे सकता है। उसने कहा कि कोई अनुभवी व्यक्ति ही ये समझ सकता है, तुम अभी बालक हो, तुम नहीं समझ सकते हो। सच
राजा को अपनी गलती का, अपनी भूल का एहसास हो गया। वह वृद्धों को किसी काम के योग्य नहीं समझता था, परंतु जिस बात का पता युवा नहीं लगा पाए उसका पता एक वृद्ध ने सहज ही लगा लिया था। उसको क्या लगता था कि जो वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति हैं, वो बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकते, पर जिसका पता सभी युवकों ने उनके नहीं लगा पाए वो एक बूढ़े व्यक्ति ने उस घड़े का पता लगाया। राजा युवक के घर गया और वृद्ध के पैर पकड़कर क्षमा मांगी। इसके बाद राजा सभी वृद्धों को आदर सहित अपने राज्य में वापस ले आया। जिनको उन्होंने निकाल दिया था उन सबको, बूढ़ों को अपने राज्य में वापस ले आया। अब राजा के मन में वृद्ध व्यक्तियों के प्रति आदर बढ़ गया था। उससे अपने सिर पर कोई सफेद बाल दिखता तो वो क्या करता, पहले तो वो उखाड़ देता था, अब उसको मुस्कुराता कि अब मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं भी अनुभवशील हो रहा हूँ। कोई वृद्ध राह में जा रहा होता तो स्वयं पीछे हट जाता और उसका रास्ता देता, उसका अभिवादन करता। यानी राजा को समझ में आ गई जो व्यक्ति बूढ़े होते हैं हमें उनका अनादर नहीं करना है, हमें उनको सम्मान देना है, उनके अनुभवों से हमें सीख लेनी है, क्योंकि उन्हें जीवन का पूरा अनुभव होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज